और जैसे मैंने बोला कि फार्मा कंपनीज में पुल बैक आया है, बट सस्टेनेबिलिटी बहुत डिफिकल्ट है ऊपर के लेवल पे, और वो फार्मा का ये यहाँ पे फ्रेश बाइंग ना करके ट्रैप होना प्रेफर नहीं करेंगे हम, क्योंकि अगर फाइजर भी देखते हैं तो ये 6039 का हाई मारा था, उसके बाद 4 महीने करेक्शन में 4000 का लेवल आया जो कि सपोर्ट था, और 4000 के नीचे उसका 3400 का सपोर्ट था। पर अभी लास्ट 2 महीने में हमने देखा कि बाइंग आया है, यहाँ से 4000 वाला आपका 4660 आ गया है। तो अगर किसी के पास है तो मेरे हिसाब से 4800 से 5000 के बीच में एक बार एग्जिट लेना चाहिए, इनफैक्ट 4500 से 5000 के बीच में ही एग्जिट लेना चाहिए, एंड वापस हो सकता है ये 4000 उसके नीचे दोबारा टेस्टिंग करने के लिए आएगा। तो फ्रेश एंट्री यहाँ से रिकमेंडेड नहीं है, जिनके पास है वो ऊपर के लेवल पे आप एक बार एग्जिट करें। जब तक ये 5000 के ऊपर सस्टेन नहीं होगा, हमारा व्यू जो रहेगा एग्जिट ऑन राइस। 5000 के ऊपर सस्टेन एक बार हो गया तो हम फिर से फ्रेश रिव्यू करेंगे, लुकिंग द ब्रॉडर सेक्टर एंड द मार्केट, एंड देन विल टेक अ फ्रेश व्यू। अदरवाइज अवॉइड फ्रेश एंट्री, एंड जिसके पास है ऊपर के लेवल पे थोड़ा सा रिड्यूस करिए। जी।